न्यू ईयर के बाद ये साल कब आधा गुजर गया पता ही नहीं चला। ये हम लोग इस साल के छठे महीने में जी रहे हैं और ये महीना भी लगभग अपने अंतिम दिनों में है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि BHO का कट ऑफ अभी कितने राउंड्स तक आएगा, क्योंकि कुछ भ्रामक वीडियोज यूट्यूब पे हैं, कहीं ना कहीं कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी इस तरीके से प्रिंट हुए कि BHO की तो पूरी 8,500 सीटें फुल हो गई। तो भाई बच्चों के बीच में ये बात जाना बेहद जरूरी है कि वाकई क्या सीटें फुल हुई हैं, क्या आगे एडमिशन की पॉसिबिलिटीज नहीं है, और ये जो अभी हजारों बच्चे इंतजार कर रहे हैं अब इनको इंतजार नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप मेरे वीडियोज पे भरोसा करते हो, मेरे वीडियोज आप देखते हो, आपको पसंद आता है और आपको यहाँ तक भी भरोसा है कि सर के वीडियोस काफी ज्यादा ऑफिशियल्स होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं सबसे पहले और सटीक होते हैं। तो मेरा भी एक दायित्व है, मेरा भी एक राइट है कि मैं आपको अवगत कराऊं, और मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, मेरे वीडियो का एम ही है टू स्प्रेड अवेयरनेस, भाई जागरूकता फैलाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि हर कोई शिक्षित हो जाए और उन्हें मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाए। इसके लिए मैं लगातार वीडियोज बना रहा हूँ, कई सालों से आवाज उठा रहा हूँ, NTA तो अब बदनाम हो रहा है पब्लिक प्लेसेस पे पब्लिकली, लेकिन NTA की जो सच्चाई है वो मैंने बहुत साल पहले ही वीडियोज में रिवील कर दिया। बाय द वे ज्यादा आपका टाइम नहीं लॉस करूंगा, और थोड़ा सा मेरी आवाज अगर आपको परेशान करेगी तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, सीजन चेंज हुआ, थोड़ा सा बारिश हुई है उसी की वजह से फीवर है, तो आवाज भारी होगा, लेकिन प्लीज आप लोग मैनेज करिएगा। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये एक ऑफिशियल नोटिस है, BHO के ही प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी गिवेन है, और हम लोग इसी प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे ये एनालिसिस करेंगे कि अभी सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और कितने राउंड्स आने की पॉसिबिलिटीज है, और कब तक ये राउंड्स आएंगे। और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि जो एक बचे हुए सीट की लिस्ट आती है, यानी मॉपअप राउंड जिसको बोलते हैं, जिसको किसी यूनिवर्सिटी में स्पॉट राउंड बोला जाता है, तो फाइनली वो भी कब आएगा। ठीक है, तो ये समय चल रहा है BHO PG काउंसलिंग का, ध्यान देना। ठीक है, ये BHO PG का समय चल रहा है, यानी अभी यहाँ पे हम लोग BHO के PG काउंसलिंग को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, PG काउंसलिंग देख रहे हैं 2024 के लिए। ओके, ये इतना थोड़ा सा मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ जिससे कि कोई डाउट ना रहे, और यहाँ पे कुछ मैं डेट जो है वो हाईलाइट कर दूं, क्योंकि ये नोटिस बहुत छोटा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऊपर की डेट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहां पर डिस्कस किया गया है कि कब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया, कब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लोज हुआ, तो हमें तो सीधे राउंड्स पे चलना है। तो इनके उस डेटाबेस के, इस नोटिस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि कुछ 1 जून से, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, 1 जून से इनका फर्स्ट फाइनली राउंड आने की पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट होना था, 2, 2 और 3 को फाइनली पेमेंट होना था और 4 को फाइनली ये लोग पूरी सीट को कैलकुलेट करते, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 to 4, चलो ठीक है, नया डेट मिल गया हमें 4 जून। ठीक है, यानी कि 4 जून को इनका फर्स्ट राउंड कट ऑफ आना था, जबकि आया कब, 11 जून को, आप लोगों को सबसे पहले मैं ही बताया था। तो ऑलरेडी लेट हो चुका है, कितना, 6-7 दिन लेट हुआ अपने फर्स्ट राउंड से। ठीक है, हम लोग ये गलती इनका हम लोग माफ करते हैं, ये लोग अपने सेकंड राउंड पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड अगर हम लोग एनालिसिस करें, ये वीडियो आप लोग प्लीज BHO के ऑफिशियल्स लोगों में भी जरूर टैग करिएगा कि आप लोग का क्या ये शेड्यूल है, भाई फॉलो ही नहीं होता है, किसी साल नहीं होता है, कितने एक्सपीरियंस्ड हो भाई, कितने नॉलेजेबल हो, एक तो एडमिशन कराने नहीं आता आपको। ठीक है, 5 तारीख को आना था। ठीक है, 5 तारीख को आना था, फिर कब आया, आपको पता है कि ये 24 को आया, इस 4 के बाद उन्होंने नहीं दिया, 11 को आया। ठीक है, जब 11 को आया तो अब वो 24 को आया, यानी कि सेकंड वाला और लेट हो गया। ठीक है, जबकि आना था 5 को, कितना लेट हुआ इसको भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, कितना लेट हो गया, लगभग ये लेट हो गया 5 इधर 10 उधर, काफी ज्यादा, मैं ओवरऑल 15 दिन लिख देता हूं। ठीक है, एक अप्रोक्स वैल्यू मान लो 15 दिन लेट हो गया। अब ये चीजें भूल जाओ, अब हम लोग देखते हैं, पहला स्टेटमेंट यहां पे पूरा करना चाहता हूं मैं कि थर्ड राउंड कट ऑफ आएगा कि नहीं, पहला। ठीक है, थर्ड राउंड, ठीक है, थर्ड राउंड जो कट ऑफ है वो आएगा कि नहीं, पहले हम लोग, ठीक है, इस पे फोकस हो जाते हैं। तो भाई यहां पे मैं आपको देता हूं ग्रीन सिग्नल। ठीक है, ये यानी कि थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा क्यों, आएगा अब इसके एनालिसिस समझो। जो हमारा फर्स्ट राउंड आया था, जो हम लोग का फर्स्ट राउंड आया था,
ठीक है, ये वाला इसमें जो हमारी कुल सीटें फुल हुई अप्रोक्स, अगर मैं पूरे कोर्स से, जिनके पास लगभग 100 आप कोर्सेस थे जिसमें एफिलेटेड और आरजीएससी इंटीग्रेटेड सब कॉलेजेस थे, इसमें लगभग इनके पास 50% सीटें फुल हुई। ये इनका एक दिन बाद का न्यूज आर्टिकल है जिसके बेसिस पर मैं अप्रोक्सिमेट बता रहा हूँ, 50% सीटें फुल हुई। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, थोड़े ही दिन बाद इनका, जब इनका सेकेंड राउंड बीच में गैप गया, तो 22 के आसपास डीयू का कट ऑफ आ जाता है। ठीक है, यानी कि डीयू का फिर कट ऑफ आ जाता है कब, 22 तारीख को। ठीक है, यानी कि दो दिन पहले इनके बीएचयू के, दो दिन पहले आ जाता है 22 तारीख को, 22 जून को। अब बताओ 22 जून को जब आया तो क्या ये 50% वाली सीट जो है वो चेंज नहीं होगी? ये मेरे पास डेटाबेस है भाई, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से खुद काउंसलिंग वाला जो प्रोसेस है उन्होंने उससे ही तो ट्रांसफर करवाया। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, मैं हट जा रहा हूँ। ये काउंसलिंग वाला एक बैनर है, इसमें एक नंबर है, आप इन इमरजेंसी केसेस डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ये टीम आपको डायरेक्टली फोन पे विद इन 30 मिनट्स कांटेक्ट करेगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आप इस नंबर को सेव कर लो। ध्यान देना ये पेड है, 50 rupees for 15 days, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछने का 50 rupees है, आप 15 दिन तक कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सीधे कॉल पे बात होगी, ये नंबर आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 50% जो पेमेंट सीट फुल हुई थी ना बीएचयू की, ये भी 22 जून को जब डीयू ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया, तो कुछ इसमें 15% मिनिमम मैं जो है वो डिक्रीजमेंट करना चाहता हूं, 15% कम से कम। ये हो गया 35% सीट फुल। अब हमारे पास आता है सेकेंड राउंड, ठीक है, जो कि अभी गोइंग ऑन है, सेकेंड राउंड बीएचयू का भी गोइंग ऑन है और डीयू का भी नहीं आया है, जो कि अभी लगभग 3rd or 4th July को आने वाला है, ऐसा कुछ सेकंड 2 या 3 को, मतलब उनका भी डेट चेंज भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये सेकंड जो है राउंड, ये अभी गोइंग ऑन है। अब इस बचे हुए लगभग 65 हमारे पास है, ठीक है, 65 वैकेंट सीट है हमारे पास, लगभग 65%। ठीक है, अब इस 65% सीट में जो भरने की प्रोसेस होगी सीटों की, वो क्या होगी, इसको समझने की कोशिश करो। ये भी कहीं ना कहीं अभी भी इफेक्टेड होगा बाकी यूनिवर्सिटीज के लिस्ट से, जैसे अभी बीबीयू का नहीं आया है, इन दिनों अगर बीबीयू आ जाता है तो थर्ड राउंड में बीएचयू का पासा फिर पलट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना पेड मिल रहा है बीएचयू में, बहुत सारे बच्चों को बीएचयू में एफिलेटेड मिल रहा है, और वहीं उनको डीयू में अच्छा कॉलेज मिल रहा है, वही उनको एससीयू में बुलाया गया, एससीयू का काउंसलिंग फर्स्ट राउंड ऑफलाइन वेरिफिकेशन है, पता है ना, वहां पे बच्चे जा रहे हैं भाई। ये इफेक्ट डाल रहा है ना, एससीयू इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, डीयू इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, अभी बीबीएयू भी डालने लगेगा, ठीक है, बीबीयू भी डालने लगेगा, एंड मेनी मोर भाई, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि डायरेक्टली किस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, बीएचयू के कट ऑफ पे इफेक्ट डाल रहे हैं। ये तसल्ली मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ये सच्चाई है, आप उम्मीद मत तोड़ो। आप ये देखो ना कि जो सेकेंड राउंड कट ऑफ है, जो ऑफिशियल लिस्ट है, उससे कितना नंबर पीछे हो आप, लगभग कुछ कोर्सेज में तो 30 नंबर पीछे होने के बाद आप उम्मीद कर सकते हो, 30 नंबर पीछे होने के बाद भी उम्मीद कर सकते हो, ये कोई झूठी तसल्ली नहीं है। बाकी लॉ में, साइंस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, इन सब में 15 नंबर 20 नंबर पीछे हो तो भी आप उम्मीद कर सकते हो। और अभी मैं एनालिसिस करूंगा तो फिर एक वीडियो ले आऊंगा, एक्सपेक्टेड थर्ड राउंड कट ऑफ की लिस्ट में लाऊंगा, जिसमें ये मैं आपको बता दूंगा कि एडमिशन की पॉसिबिलिटी एक्चुअली ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन सब में एग्रीकल्चर कितना उम्मीद अभी है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी ये पता है एक पूरा लगभग कुछ 1000 और 500 के बीच में जो सीटें हैं वो अभी कॉमन पेपर का आना है, MPMIR, MBA, ये तमाम कोर्सेज हैं भाई, मतलब ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जहां पे GDPI हुआ था, स्पोर्ट्स राउंड अभी आ जाएगा, तो भाई ये सीटें बहुत अपडाउन होंगी, बीएचयू के अंदर ही अपडाउन होंगी। ये बच्चे जो रेगुलर पे एडमिशन ले रखे हैं ये कॉमन पेपर के थ्रू चले जाएंगे, ये डेटा मेरे पास ही है। एक तरह से आप कह सकते हो ना कि एनटीए के बाद अगर बहुत सारा डेटा है तो मेरे पास है भाई, ये बच्चे मेरे यहाँ कॉन्टेक्ट करके रखे हुए हैं, डेली का 1200 रिप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट में करता हूँ। वो काउंसलिंग वालों को आप लोग मत ज्यादा ट्रोल करना भाई, वो आपके फायदे के लिए बनाए गए, कुछ बच्चों के तो भविष्य बन गए उसकी वजह से कम वो इमरजेंसी में मेरे पास पहुंच तो पाए, कम से कम मैं उनकी हेल्प तो कर पाया। तो कई बार क्या होता है ना कि आप मेरे तक पहुंचो देर हो जाएगी, मैं आप तक पहुंचूं देर हो जाएगी, तो जरूरी है कि इस काउंसलिंग वाला का हेल्प लेके आप अपना काम निकलवा लो। पैसा कमाना होता ना तो मजबूरी का फायदा उठाता, इसको 200 रुपए रख सकता था, बट ऐसा नहीं है। ये बनाया गया है कि जब मैंने रियलाइज किया कि बच्चों का रिप्लाई टाइम से नहीं जा पा रहा है,
अब 1000-2000 मैसेज का कैसे पॉसिबल है भाई? अगर रिप्लाई करने वाले लोगों को ही मैं बुलाऊंगा तो उनको पास नॉलेज होना चाहिए ना, काउंसलिंग का एक्सपर्ट कौन है? कुछ ही लोग हैं। मैं जिसको भी काउंसलिंग वाला पे कांटेक्ट करना है, ये नंबर है, आप वहां पे कांटेक्ट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हो। अब हम लोग जानते हैं कि सेकेंड से थर्ड राउंड जाने में सीटें ऑलमोस्ट कितना बचने वाली है, तो ऑन एन एवरेज जो मेरे माइंड में चल रहा है वो है 45%। ठीक है, लगभग 45% सीट जो है वो हमारा थर्ड में जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सीटें जाएंगी ये ज्यादातर एफिलेटेड के साथ होंगी प्लस पेड होंगी। ठीक है, ये मैक्सिमम पेड होंगी और एफिलेटेड होंगी क्योंकि डीएमसी और रेगुलर सीट 50% ज्यादा फुल हो चुका रहेगा सेकंड तक। अब बात आती है कि सर टोटल अभी राउंड्स कितने आएंगे और कब तक आएंगे, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इनका जो सेकेंड राउंड है यानी थर्ड राउंड जो है वो 8 तारीख दिया हुआ है। ठीक है, 8, और जो इनका सेवेंथ राउंड है ये वाला, ये दिया हुआ है 20। ठीक है, तो 8 से 12 जाने में, 20 जाने में लगभग 12 दिन लगा, तो मैं मान के चलता हूं कि थर्ड जुलाई को इनका जो है वो राउंड आ जाएगा, थर्ड जुलाई को। ठीक है, थर्ड वाला प्लस 12 दिन जोड़ लो टोटल 7 राउंड चलाने के लिए, 3 दिन जोड़ लो गैप के लिए, 3 दिन जोड़ लो मॉकअप रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको कितना आ गया लगभग, लगभग 12 दिन 15 दिन 18 दिन 21। ठीक है, ध्यान देना कि लगभग 21 तारीख, ध्यान देना 21 नहीं, हम लोग 3 जुलाई से स्टार्ट किए, तो 24, यानी 24 जुलाई तक हम लोग तो भाई मॉकअप राउंड की रजिस्ट्रेशन तक पहुंच रहे हैं, और अभी 2 राउंड चलाएंगे तो मान लो 4 दिन उसमें भी, ऑलमोस्ट हम लोग एंड ऑफ जुलाई में पहुंच जाएंगे काउंसलिंग के लिए। तो आप एक चीज समझ गए ना कि ये मॉपअप राउंड, सॉरी ये जो राउंड्स है ये 7 आएगा, कमोबेश 6 तक लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग रेगुलर में 6 नहीं लाएंगे तो फिर मॉपअप में जो 2 लाने वाले हैं उसको 4 करना पड़ेगा। तो बात वही हुई, या तो इधर वो लोग कम करें उधर बढ़ा दे, या इधर बढ़ा दे मॉपअप में कम कर दे। ठीक है, 15 में डेट दे रहा हूं, 15 तारीख, 15 जुलाई से बच्चे जो हैं वो कॉन्शियस हो जाना। देखो होता क्या है ना कि आप उम्मीद छोड़ के चले जाओगे, ये सीटें कोई और ले लेगा, क्योंकि सीटें बचेंगी, एकदम श्योर है बचेंगी एकदम श्योर है, तो उम्मीद नहीं खोना है, मेरे वीडियोस देखने हैं, अपडेटेड रहना है। और प्लीज अब एंड ही है, लगभग 1 महीने की और बात है, तो आप लोग जरूर अपडेटेड रहें, बाकी काउंसलिंग वाला का हेल्प लें, क्योंकि हम लोग वहां पे बहुत अच्छा सुझाव भी देते हैं आपके एम के अकॉर्डिंग, आपके जो भी एजुकेशनल प्रायोरिटी रही है, जो आपका स्पेशलाइजेशन है, जिसमें आप अच्छा कुछ कर पा रहे हो, ये तमाम चीजें आपसे जानने के बाद हम लोग आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी बेस्ट कोर्स का भी जो है वो कहीं ना कहीं सजेशन देंगे। तो प्लीज काउंसलिंग वाला से आप सजेशन जरूर लीजिए, मुस्कुराते रहे, बहुत से शुभकामनाएं हैं। आप सोचो ना कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, जहां पे एक्चुअली आपके करियर से रिलेटेड बातें हो पा रही है, आपको सुझाव दिया जा रहा है। बात यहाँ पे ये है ना कि हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसे